प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछले एक हफ्ते से पठन पाठन की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आप सभी को नियमित कक्षाएं मिल रही होंगी, ठीक है। इन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी लाभ उठा रहे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। पिछले कक्षाओं के माध्यम से आप सभी धीरे धीरे अपने नोट्स को तैयार करें, पढ़ें, और अगर किसी भी तरह की विसंगति हो या किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। चलिए, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इस पर पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण के संबंध में मैंने आपको बताया था कि अनडिजायरेबल चेंज अगर लैंड में, वाटर में या एयर में होता है तो उसका जो परिणाम होता है उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंज का जो परिणाम है वो क्या है? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के संबंध में मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन से आपको पॉल्यूशन पढ़ने हैं, तो कुल 6 पॉल्यूशन आपको पढ़ने हैं। पहला जो है एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, दूसरा जो है आपका वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इज एयर नॉइस पॉल्यूशन, फोर्थ वन इज सॉइल पॉल्यूशन, फिफ्थ थर्मल पॉल्यूशन, एंड सिक्स रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आपके बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स में यह कुल 3-6 तरह के पॉल्यूशन मेंशंस हैं, एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एक बात मैं आपको पुनः यहाँ पे दोहरा दूँ कि जब भी आपको ऑनलाइन कक्षाएँ प्रदान की जाएँ, आपको ऑनलाइन वीडियो दिया जाए, तो आप सभी एक काम जरूर कीजिएगा कि पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और पेन और कॉपी के माध्यम से इन सारे बिंदुओं को लिखते हुए एक नोट्स जरूर आप तैयार करेंगे, ठीक है, जो आने वाले भविष्य में आपको बहुत काम देगा, बहुत लाभ पहुँचाएगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पॉल्यूशन टॉपिक मेरे लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में आपके कोर्स में मेंशन भी है, तो क्यों ना हम इस माध्यम से दोनों तरह की गतिविधियों को संचालित करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, ठीक। पढ़ना कैसे है इस संबंध में अगर हम बात करें इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को, तो कुल 6 पॉल्यूशन मैंने आपको बताया, शायद आपको याद भी हो गया हो, एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर या वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इनके 6 प्रदूषण आपको पढ़ने हैं और किस हेड्स में पढ़ने हैं, किस टॉपिक पे इसको पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, तो इसमें 3 मुख्य बिंदुओं पे आपको स्टडी करना है और वह 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला जो है सोर्स है,
सोर्स इफेक्ट, शायद आपको यहाँ दिख ना रहा हो, जस्ट ए मिनट, मैं इसको दूसरी तरफ लिखने का प्रयास करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए, जो हेड्स है, जिस हेड्स के अंतर्गत आपको इसको पढ़ना है, तो सोर्स इफेक्ट एंड कंट्रोल, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, किस तरह से ये प्रभावित करता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इन तीन विधियों के आधार पे या तीन हेड्स में पढ़ना है। तो लाइए हम आज शुरू करते हैं। पहला जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे बात एटमॉस्फेयर की या एयर की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमको एयर का हमको कंपोजिशन देखना होगा कि आखिर एयर जो है किन किन गैसों से बनता है या किन गैसों का मिक्सचर जो है यह हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर जो है मुख्य चार गैसों से मिलकर के बना होता है। मुख्य चार गैसों के कंपोजिशन को मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है। दूसरे नंबर पे अगर गैस की बात आती है तो 20.9% के साथ दूसरा जो प्लेस होल्ड करता है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर से मैं आपको रिपीट करूं, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, जो तीसरा नंबर आता है आर्गन का, आर्गन का तीसरा नंबर आता है और यह जो है 0.93% होता है। ध्यान रखिए आर्गन कितना होता है 0.93%। और चौथी महत्वपूर्ण गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी मात्रा जो है 0.03% है, ठीक है। तो प्रकृति के ये चार एयर के, प्राकृतिक एयर के या जो एयर है उसकी ये चार मुख्य कंपोजिशन है। आपको इन कंपोजिशन को इसके प्रतिशतता के साथ याद होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं प्रतिशतता में थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, मैंने इसको इस कंटेंट को पीडी शर्मा की किताब से उठाया है तो उसके आधार पे हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन जो है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ गैसें पर्यावरण में पाई जाती हैं जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन, और साथ में कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, ऐसा नहीं है कि ये जो एयर जो है सिर्फ इन्हीं गैसों का कंपोजिशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ इन गैसों के साथ कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर भी होते हैं। अब पार्टिकुलेट्स मैटर किसको हम कहेंगे, तो डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, एरोसॉल हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, स्पोर्स हो गई, सॉरी बैक्टीरियाज होंगे। तो ये सारे कुछ जो है पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें तो ये डस्ट, मिस्ट, एरोसॉल, इनका जो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। फिर से मैं दोहराऊं कि डस्ट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो माइंड में आएगा आपके धूल के कण, लेकिन वहीं पे अगर मिस्ट और एरोसॉल की अगर हम बात करें तो यह बात आप नहीं बता पाएंगे। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज़ डस्ट, किस साइज पार्टिकल को आप डस्ट कहोगे, किस साइज पार्टिकल को आप मिस्ट कहोगे, किस साइज पार्टिकल को आप एरोसॉल कहोगे। ध्यान रखिएगा इसमें ये जो एरोसॉल है ये बहुत ही गंभीर समस्याओं का जनक होता है। एरोसॉल
बहुत गंभीर समस्याओं का जनक होता है और लंदन में, ठीक है, एरोसॉल के ही कारण लंदन में एक क्लाइमेटिक ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम लंदन फॉग के नाम से जानते हैं, और उस लंदन फॉग में करीब 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लंदन फॉग का अगर कारक आपसे पूछा जाए कि इन निम्न में से कौन लंदन फॉग का कारक है, तो लंदन फॉग का कारक यही एरोसॉल है। अब हम बात करते हैं एरोसॉल की, मिस्ट की और डस्ट की। चलिए, आप सभी इसको नोट करते चलेंगे, मैं कभी कभी बीच बीच में बोर्ड से हटूंगा, ठीक है, उस दौरान आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे जो है इसको नोट कर लें, लेकिन नोट्स आप जरूर बनाएंगे। बात हम कर रहे थे एरोसॉल, डस्ट और मिस्ट की, ठीक है। तो एरोसॉल जो है उन लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी साइज 1 माइक्रॉन से कम होती है। ध्यान रखिएगा, एरोसॉल उन लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी साइज 1 माइक्रॉन से क्या हो, कम हो। अगर साइज 1 माइक्रॉन से कम है तो उस एयर में सस्पेंडेड लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एरोसॉल, ठीक। अगर एरोसॉल करता क्या है अगर ये पूछा जाए, तो यह जो है लंग्स डिजीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कारक होता है। एरोसॉल किसका कारक होता है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। बात हम करते हैं डस्ट की, ठीक है। तो 1 माइक्रॉन से अगर ज़्यादा साइज का सॉलिड पार्टिकल हो, 1 माइक्रॉन से ज़्यादा की साइज का सॉलिड पार्टिकल अगर है तो उसको हम कहेंगे डस्ट, ठीक है। साइज कितनी होगी, 1 माइक्रॉन से ज़्यादा पार्टिकल कौन सा होगा, तो सॉलिड। फिर आगे बात करें हम मिस्ट की, तो 1 माइक्रॉन से ज़्यादा की साइज का लिक्विड पार्टिकल है, 1 माइक्रॉन से ज़्यादा की साइज का अगर लिक्विड पार्टिकल है तो वो हो गया मिस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिकुलेट मैटर में एरोसॉल जो है इसकी साइज 1 माइक्रॉन से कम, चाहे वो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। डस्ट ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 माइक्रॉन से ज़्यादा, और मिस्ट ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 माइक्रॉन से ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने बात किया कंपोजिशन ऑफ एयर की, एयर किससे मिलकर के बना हुआ है, तो एयर के कंपोजिशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरा पूरा भरोसा है, और आप इसको याद भी करेंगे, ठीक है। लेक्चर में आपको हर समय कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा और इसको फिर दोबारा जीवन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये तो रहा एयर का कंपोजिशन, ठीक है, एयर किससे बनता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एटमॉस्फियर है हमारा, ठीक है, एटमॉस्फियर का क्लासिफिकेशन या जो इसमें परतें पाई जाती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर। क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर में मैं आपको स्पष्ट करूं, तो कुल 5 परतों का एटमॉस्फियर बनता है, कुल 5 परतों का एटमॉस्फियर बनता है। पहली जो परत होती है उसको हम ट्रोफोस्फियर कहते हैं, ट्रोफोस्फियर। जो दूसरी परत होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। जो तीसरी परत होती है उसको हम मीजोस्फियर कहते हैं, मीजोस्फियर।
जो चौथी परत होती है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, आयनोस्फीयर। और जो पांचवी लास्ट परत होती है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक, तो इन पहले आप पांच परतों को ध्यान से एक बार पुनः सुने ताकि आपको ये याद हो जाए। पहली परत ट्रोपोस्फीयर, यह अर्थ सरफेस के पास वाली परत है। ठीक है, पहली परत ट्रोपोस्फीयर, यह अर्थ सरफेस के पास वाली परत है। ट्रोपोस्फीयर के बाद की जो परत होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के बाद की परत को स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद की परत को हम मीजोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद की परत को क्या कहेंगे? मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर के बाद की परत को हम कहते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर के बाद की परत को हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। और लास्ट सबसे जो है जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। अब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन परतों को। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं, आप नोट कर लिए होंगे। अर्थ सरफेस के पास हमने आपको बताया, अर्थ सरफेस के पास, अर्थ सरफेस के पास देखेंगे, दिख रहा है कि नहीं? अर्थ सरफेस के पास जो पहली परत होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। बहुत ध्यान से सारी बातें आप समझेंगे, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आप यहाँ से मिस करेंगे तो समझिए कोई ना कोई कंपटीशन का एक क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, पहली जो परत होती है ट्रोपोस्फीयर, और यह अर्थ सरफेस के जस्ट बाद होती है। कुछ चीज़ें आप समझें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह इसी ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो आपसे अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित परतों में से किसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा क्या? ट्रोपोस्फीयर। क्या आंसर होगा? ट्रोपोस्फीयर। इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो ये ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होता है। अब ध्रुव और इक्वेटर अगर आप नहीं समझ रहे हो तो देखें, यह पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी अंडाकार है, आपको पता है इसके दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है। ठीक है, एक साउथ पोल और दूसरा क्या है? नॉर्थ पोल। तो ये ध्रुव हो गए दोनों। इन ध्रुवों पे ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और दोनों ध्रुवों के बीच की जो पोजीशन होती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की पोजीशन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई करीब 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई करीब कितनी होती है? 18 किलोमीटर की। मैंने आपको बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें यह है कि जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ते हो, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो जो टेम्परेचर है वो घटता है। ठीक है, अर्थ सरफेस से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूँ कि अगर 165 मीटर अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर गए, ठीक है, कितना? 165 मीटर, 165 मीटर आप अगर अर्थ सरफेस से ऊपर गए तो 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। ठीक, अर्थ सरफेस से 165 डिग्री ऊपर जाने पे, सॉरी 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको जो है, अब इस
आधार पर अगर हम देखें तो 18 किलोमीटर के आसपास जब हम ऊपर जाते हैं तो इसके सबसे ऊपरी परत में जो तापमान होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यह इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वह सारा कुछ किस में होगा, ट्रोफोस्फीयर में। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी सब किस में होंगी, ट्रोफोस्फीयर में। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौसम संबंधी गतिविधियां या मौसम संबंधी घटनाएं जो है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ट्रोफोस्फीयर। ठीक है ना, हवाएं चलना, बारिश होना, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये मौसम संबंधी घटनाएं हैं किस में होती हैं, ट्रोफोस्फीयर में। ट्रोफोस्फीयर के जस्ट बाद की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोस्फीयर के जस्ट बाद की परत स्ट्रेटोस्फीयर। और ट्रोफोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से किस बिंदु से अलग होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर का 90% भाग जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और 10% पार्ट जो है ट्रोफोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन का 90% भाग ट्रोफोस्फीयर में और 10% भाग किस में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इस पोजीशन को जहाँ पे ओजोन जो है किसको, ट्रोफोस्फीयर को और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करता है, उसको हम कहते हैं ट्रोफोपॉज। ठीक है ना, ट्रोफोपॉज वह बिंदु है जहाँ से ट्रोफोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो है ओजोन के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ओजोन की खोज क्रैब ने की थी, ध्यान रखिएगा, ओजोन की खोज किसने की थी, क्रैब ने। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। ठीक, और इसमें जो है तापमान जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और इसके फाइनल लेवल पे यानी कि 50 किलोमीटर पे तापमान जो है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक, 50 किलोमीटर के आसपास इसका तापमान जो है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो पहले की करेक्टरिस्टिक ये थी कि टेम्परेचर गिर रहा था, दूसरे की करेक्टरिस्टिक ये है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि लगभग अगर 100% जल वाष्प की संकल्पना हम करें पृथ्वी पे, तो 90% जल वाष्प जो है ट्रोफोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, 90% जल वाष्प ट्रोफोस्फीयर में पाया जाता है और 10% जल वाष्प जो है किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये पूछा जाता है आपसे कि ओजोन लेयर या ओजोन परत कहाँ अवस्थित होती है, किस लेयर में अवस्थित होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई कि ट्रोफोस्फीयर में भी होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में भी होता है। ट्रोफोस्फीयर में 10% होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में 90% होता है। तो जिसके घर में ज़्यादा है उसी की बात हम करेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ कि चूंकि मौसम संबंधी गतिविधियां जो हैं ट्रोफोस्फीयर में होती रहती हैं, इसलिए वायुयानों का उड़ान, जो वायुयान है उनका उड़ान जो है इस लेयर में संभव नहीं है। तो वायुयान जो है अपना उड़ान जो है किस लेयर में करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन अपनी फ्लाइट जो है किस में करेंगे, तो स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक, अगर हम इसके आगे बढ़ें तो जो तीसरी परत है उसको हम कहते हैं मीज़ोस्फीयर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 80 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास होती है। और पुनः यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं
टेम्परेचर गिरता है और फाइनल लेयर पे टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। फाइनल लेयर पे टेम्परेचर कितना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह जो है गैसियस मिक्सचर है, इसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं। इसका काम यह है, मीजोस्फीयर का काम अगर आप जानें तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो है करता है। जब उल्का पिंड आता है तो पहले आयनोस्फीयर में आता है और फिर मीजोस्फीयर में, तो मीजोस्फीयर तक उल्का पिंड आते आते या कोई भी जो है पिंड अगर पृथ्वी की कक्षा में आता है तो आयनोस्फीयर से होते हुए जब मीजोस्फीयर में आता है तो मीजोस्फीयर में पहुँच करके जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यह मीजोस्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। आगे अगर हम बढ़ें नेक्स्ट इसके लेयर में, तो अगला लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर और इसकी ऊंचाई करीब 400 किलोमीटर होती है। किन्हीं किन्हीं बुक्स में जो है आपको ऊंचाई अलग मिल सकती है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडी शर्मा के अकॉर्डिंग है, आप ध्यान रखिएगा। 400 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी होती है, ठीक। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है और फाइनल लेयर पे टेम्परेचर जो है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। फाइनल लेयर पे टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यह बना किसका होता है, तो विभिन्न आयनों का बना होता है, ठीक है। यह विभिन्न आयनों का बना होता है। काम ये क्या करता है, तो इसके अंदर हम सेटेलाइट को जो है अवस्थित करते हैं और सेटेलाइट अवस्थित होने से यह पृथ्वी पे रेडियो तरंगों को क्या करता है, भेजता है। तो जितने भी रेडियो के प्रसारण आप सुनते हैं, रेडियो के प्रसारण में इस आयन मंडल का या आयनोस्फीयर का महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। रेडियोस्फीयर, रेडियो के प्रसारण में किसका महत्वपूर्ण रोल है, तो आयनोस्फीयर का। तो मैंने आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर हमने चर्चा की, कुल 5 परतों का बना है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर। आप इस फिगर को ड्रा कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए कहीं भी कोई कंटेंट अगर मिटा दिया जाए तो आप वीडियो रोक करके और उस कंटेंट को आप ड्रा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक जो बात हुई कंपोजिशन ऑफ एयर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, बात हो गई एरोसॉल की भी। अब हमने कहा था कि प्रदूषण कितना कैसे फैलता, उसका सोर्स क्या है, प्रदूषण का सोर्स क्या है। तो सोर्स की अगर हम बात करें एयर पॉल्यूटेंट्स के सोर्स की, तो कुल 4 सोर्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के, कुल 4 सोर्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के। उन 4 सोर्स में पहला जो है इंडस्ट्रियल सोर्स, दूसरा जो है थर्मल पावर स्टेशन, तीसरा ऑटोमोबाइल और चौथा जो है वह डोमेस्टिक सोर्स आर कार्स। तो कुल 4 सोर्स पे हम बात करेंगे, पहला जो है इंडस्ट्रियल सोर्स, दूसरा जो है थर्मल पावर स्टेशन सोर्स, तीसरा जो है ऑटोमोबाइल सोर्स, चौथा जो है डोमेस्टिक सोर्स। इन 4 सोर्स को आप याद कर देख लें, नोट कर लें, इंडस्ट्रियल, थर्मल, ऑटोमोबाइल एंड डोमेस्टिक। इंडस्ट्रियल, थर्मल, ऑटोमोबाइल एंड डोमेस्टिक। हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोर्स की, तो इंडस्ट्रियल सोर्स में जो सबसे पहला सोर्स है पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज को आप देखें तो ये करती क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वह निकालती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं ये निकाल रही होती हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है, तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जो है एसिड रेन का कारक है। ठीक, अपने उत्तर प्रदेश में मैं एक बहुत ही अच्छी परिघटना बताऊं, आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि एक कॉन्सेप्ट है स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी। स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी, इसके पीछे कारक क्या है, तो जाहिर सी बात है कि एक रिफाइनरीज जो है आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और मथुरा के बगल में ही आगरा है और दूसरा शहर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दो शहर है, आगरा और फतेहपुर सीकरी। आगरा में आपको पता है कि ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी जो है अकबर का दूसरा जो है राजधानी थी, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो होता क्या है कि जब मथुरा से के रिफाइनरी से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिलकर के, ठीक है ना, रेन वाटर के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब इन मॉन्यूमेंट्स पे, इन स्थापत्य के उदाहरणों पे, नमूनों पे जब ये गिरते हैं, तो जिन पत्थर से बने हैं उन पत्थर का धीरे धीरे क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, उसको काटने लगते हैं, उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो इसी कटाव को या इसी क्षरण को हम स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहते हैं। अभी आपके सामने एक प्रश्न इस समय भी आता है कि ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है, तो ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है, यही स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर, किसके थ्रू, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू, ठीक है। दूसरी हम बात करें इसमें, तो इंडस्ट्रियल के साथ अगर दूसरे स्टेप पे हम आए, तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने जो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को जो है निकालते हैं, ठीक है। और वो सारे केमिकल सब्सटेंस जिसमें आपका कार्बन है, ठीक है, इसके साथ बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, लेड मरकरी इत्यादि ये जो है निकालते हैं मेडिसिन के फार्मेशन के समय, और यह भी जो है प्रदूषक का कारक होता है। तीसरी अगर हम बात करें, तो मेडिसिन की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और ये मेडिसिन की बहुत सारी फैक्ट्रियां करती क्या है, तो यह एसिड वेपर को इमिट करती हैं, एसिड वेपर को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। यह एसिड वेपर भी जो है प्राकृतिक प्रदूषण या एयर प्रदूषण का कारक होता है। इसके साथ अन्य भी बहुत सारी गतिविधियां हैं या सोर्सेस हैं। दूसरे सोर्स की अगर हम बात करें, ये पहला सोर्स था, दूसरे सोर्स की हम बात करें तो थर्मल पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशन, पूरे देश के 4 प्रदेशों में थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन जिनको आप NTPC के नाम से जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह यूपी में है, MP में है, आंध्र प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में है। यूपी, MP, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। होता क्या है भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। और यूज़ क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के को पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए, तो कोल का उपयोग करते हैं,
किसका उपयोग, कोल का, कोयले का। और यहाँ से हम एक्सेसिव कोयला, एक्सेसिव कोल या फॉसिल फ्यूल बर्न करके जो है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, और यह जो है प्रदूषक का कारक होता है। किस फॉर्म में, तो बहुत सारी हानिकारक गैसें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्लाई ऐश है, राख, उसका ये कारक होता है, और यह भी जो है प्राकृतिक प्रदूषण या एयर प्रदूषक का कारक होता है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि पूरे देश में के राजधानी दिल्ली में, पूरे देश की राजधानी दिल्ली में तीन जो है थर्मल पावर कॉरपोरेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तीन थर्मल पावर स्टेशंस हैं, और इन तीनों थर्मल पावर स्टेशंस में भी कोयला यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और उससे भी वही सेम गैसें कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिक, ये सारी स्टूट जिसको आप कहते हैं ये निकलती हैं और पर्यावरणीय प्रदूषण का कारक बनती हैं। चौथे पे अगर हम तीसरे पे बात करें तो तीसरा जो काज है वो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल आप ध्यान दें तो प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में व्हीकल्स जो हैं खरीदे जा रहे हैं, और आपको पता है कि इसको चलाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल या डीजल का हम उपयोग करते हैं। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल या डीजल के कम्बस्शन से आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत हानिकारक मेटल जिसको हम लेड कहते हैं वो निकलता है, और उसके कारक जो है उसके कारण ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस डिसऑर्डर हो रहा होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस डिसऑर्डर होता है। लेड का उपयोग पेट्रोल के अंदर हम जो है उसकी अपस्फोटन को, नॉकिंग को रोकने के लिए करते हैं। बाद में जो है, पहले लेड का उपयोग होता था, अब लेड का उपयोग जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। लेड का उपयोग क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है ड्यू टू थर्मल, सॉरी नर्वस डिसऑर्डर, ठीक। लास्ट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक जो कारक हैं, डोमेस्टिक, तो देखेंगे कि हम घरों में भी खाना पकाने के लिए, किसी अन्य गतिविधियों के लिए बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। उन फॉसिल फ्यूल्स भी जो है वह लगातार कार्बन की संख्या में इजाफा करती हैं और उसको बढ़ाने में जो है योगदान दे रही होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, लेड्स हैं, इन संबंध में बात करेंगे और इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पहले आप इतना देख लें, एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके भी देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप स्पष्ट तौर पे कमेंट बॉक्स में जा करके बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।